पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंची साध्वी गीता ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सनातन धर्म पर हमला करने की बात कही, तो वहीं धीरेंद्र शास्त्री को अपना समर्थन दिया। पूरा सनातन धर्म धीरेंद्र शास्त्री के साथ खड़ा है और जहां सनातन की बात हो, धर्म की बात हो, हिंदू की बात हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हिंदुत्व की भावना है। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को अन्य समाज के लोगों ने मुद्दा बना लिया है। अगर चादर और फादर की हम लोग बात करते हैं तो इशू बन जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित करने की मांग की है। पूरा सनातन धर्म माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में खड़ा है और जहां सनातन की बात हो, धर्म की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदुत्व की जो भावना है वो धर्म के प्रति कैसी है। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो चमत्कार वाली बात हो रही है, वास्तव में कुछ ना कुछ तो है उनके अंदर। अब ये जो अदर समाज के लोग हैं उन्होंने एक मुद्दा बना लिया है। अगर वो चादर और फादर की हम लोग बात करते हैं तो यीशु बन जाता है और वो हमारे धर्म के प्रति इतने उल्टे सीधे बयानबाजी या इस तरीके की जो विडंबना दिखा रहे हैं तो वो गलत है ना। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर रखा था उनको हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और पूरे देश को इस धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़ा भी होना चाहिए। पूरा देश खड़ा भी है और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरा हिंदू समाज और पूरा संत समाज माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ है, मैं भी उनके साथ। देखिए, सारे चैलेंजों को वो पास कर चुके हैं। उन्होंने सारे जितने अपने मीडिया कर्मी हैं सबसे अपने हर चैनल पे उनकी डिबेट हुई है और वो अपने जो भी उनसे कोई भी वो कर रहा है, जो भी उनका इंटरव्यू ले रहा है, वो उसका बड़ी स्वच्छता से और बड़ी ही सरलता से उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि बागेश्वर धाम में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, विदेशों तक से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। हम सब धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, चल क्या रहा है? एक सनातन पे लगातार अटैक हुआ है, क्या चल? देखिए, भारत देश प्रगति के पथ पर बढ़ चुका है। जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं और अन्य देशों के प्रति अपनी भावना रखते हैं तो ऐसे लोग इस तरीके का मुद्दा उठाते हैं। अब तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन भी करना चाहूँगी कि अब तो भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसमें कोई शंके नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आज हमारा देश उस मौकाम पर पहुँच चुका है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सभी धर्म के लोग रहते हैं तो हिंदू राष्ट्र, देखिए यही बात है कि जब हिंदुस्तान में रहते हो तो दूसरे देशों की बात क्यों करते हो? जो हिंदुस्तान में रह रहा है वह हिंदुत्व की बात करें, उसे दूसरे देश के बारे में विचार या दूसरे देश की तारीफ करने का कोई अधिकार नहीं है। और सारा हिंदू समाज, संत समाज इसी चीज के खिलाफ तो आंदोलन कर रहा है। क्या लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।